मैंने ये कहा है कि देखो अपनी सिक्योरिटी का खुद हमें ख्याल करना चाहिए। मैं भारतवर्ष का हूं, उस देश का हूं जहां पे आज भी मुस्लिम औरतें बुरका पहनती हो तो जाने दीजिए, हिंदू औरतें तहजीब वाली अच्छे घरों की, राजा महाराजा के घरों की, आप जाइए बड़े बड़े जमींदारों के घरों की औरतें जिनको ईश्वर ने बहुत पैसा दिया है, बहुत इज्जत दिया है, उनके घर की महिलाएं भी आती हैं किसी गैर आदमी के सामने तो पल्लू झाड़ के आती हैं और पूरे बदन कपड़े पहने रहते हैं, बदन का हिस्सा दिखता नहीं है। ये मेरे देश की तहजीब है। मगर अब वेस्टर्न कल्चर ये है कि आज वेस्टर्न कल्चर में जो हो रहा है, किसकी बच्ची रात को कहाँ है, किसकी बच्ची किस तरह घूम रही है, वहां इसका ख्याल माँ बाप नहीं करते, लेकिन मेरे देश में करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी रात को सूरज डूबने के बाद किसी गैर लड़के के साथ जा करके 31st नाइट मनाए और उसके साथ उसका बाप ना हो, उसका पति ना हो और वो गैर मर्दों के साथ हो, तो और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उसके साथ बड़े सम्मान के साथ रहेंगे, गलत है। इस पर बहुत लोग नाराज मुझसे होंगे, चलेगा, नाराज हो या तो चलेगा, लेकिन सच्चाई है ये। लेकिन हमेशा एक तर्क ये दिया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि उन्हें क्या कपड़े पहने जाए, ये बताने की बजाय लड़कों को ये बताया जाए कि महिलाओं के साथ पेश कैसे आया जाए। इस तर्क को लेकर के आपकी क्या राय है? अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी, पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत, तुम, मैं आग रखता हूं लेकिन पेट्रोल जले नहीं। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। मैं बहुत होश हवास में बोल रहा हूं कि हमें अपनी महिलाओं का सम्मान, मेरी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है, उसका सम्मान, उसकी इज्जत रखने के लिए हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी और आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े, उसके साथ कुछ मोलेस्टेशन इस टाइप की चीज हो, वो चांस ही नहीं मिले ना। मैं क्यों नहीं, क्यों इसको करूं कि पुलिस की जिम्मेदारी है, 100% पुलिस हर जगह रहना चाहिए, लेकिन कितना पुलिस रहेगी? महिलाएं मिठाइयां शक्कर हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना कि जो अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन ये नेचर है, नेचर है कि मर्द औरत में अट्रैक्शन होता है, लेकिन हम अपनी माँ बहनों को इन चीजों से खुद प्रिकॉशन लेकर थोड़ा दूर रखने की जरूरत है। अब आप इस बात को, महिलाओं की आजादी पर मैं कोई वो नहीं, महिलाएं आजाद, महिलाओं का पूरा हक मिलना चाहिए देश के अंदर, मैं उसका अपोज कैसे कर सकता हूं? मैं मेरी माँ बहन का अपमान कर सकता हूं क्या? लेकिन मेरी माँ बहन का सम्मान के लिए भी मुझे ये प्रिकॉशन लेना